फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉब रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट में जब आप अपना यूरिन लेते हैं तो कैसे पहचाने कि वो बिल्कुल सही यूरिन है जिस जो प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए आपको लेना चाहिए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन कर दीजिए कि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन मिले, और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब एक महिला करती है तो बहुत सारे आशाओं के साथ वो उस टेस्ट को करती है, और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आ जाता है तो सारी आशाएं टूट जाती हैं और एक महिला बहुत निराश हो जाती है। इवन एक कपल ही पूरा ज़्यादा निराश हो जाता है, क्योंकि वो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा होता है, और हो सकता है कि आप बहुत लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा निराश हो जाएंगे। तो प्रेगनेंसी टेस्ट जब हम करते हैं तो हमें लगता है ऐसा तो नहीं है कि हमने ये प्रेगनेंसी टेस्ट किया है, ये प्रेगनेंसी टेस्ट गलत हो, या हम प्रेग्नेंट हों और प्रेगनेंसी टेस्ट में सही हमने यूरिन नहीं लिया हो, तो इस तरह के डाउट्स बहुत ज़्यादा अराइज होते हैं। तो प्रेगनेंसी टेस्ट में जो आपने यूरिन लिया है वो सही है या नहीं, ये आप कैसे पहचान सकते हैं? आप उस प्रेगनेंसी टेस्ट में लिए गए यूरिन के कलर से पहचान सकते हैं। जो ये प्रेगनेंसी टेस्ट है ये बेसिकली काम करता है यूरिन में प्रेजेंट बीटा एचसीजी हार्मोन के लेवल पे। जितना अच्छा यूरिन के अंदर वो लेवल होगा उस हार्मोन का, जो कि एक प्रेगनेंसी के समय बनने वाला हार्मोन है, उतना ही अच्छे तरह से क्लियर रिजल्ट आएगा आपका प्रेगनेंसी का। तो अगर आपने ऐसा यूरिन लिया है जिसमें उसका अमाउंट कम है और पानी ज़्यादा है तो उसमें रिजल्ट सही नहीं आएगा या बहुत हल्की लाइन आएगी, या आपने ऐसा यूरिन लिया है जिसमें पानी का अमाउंट कम है और वो कंसंट्रेटेड है, उसके अंदर जो हार्मोन है उसका अमाउंट ज़्यादा है, तो रिजल्ट बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अगर प्रेगनेंसी है तो गाढ़ी लाइन आएगी। तो अब वो यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड है या डाइल्यूटेड नहीं, डाइल्यूटेड मतलब ऐसा यूरिन जिसके अंदर, ऐसा पेशाब जिसके अंदर जो है पानी का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये आप कैसे पहचान सकते हैं? उसके कलर से। जब भी आपको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना है उस समय जो आपको यूरिन लेना है वो डार्क कलर का, डार्क येलो कलर का, गाढ़े पीले रंग का यूरिन होना चाहिए। अगर आपके यूरिन का कलर, अगर आपके पेशाब का कलर लाइट कलर का है, अब वो हल्का पीले रंग का है, तो इसका मतलब वो डाइल्यूटेड यूरिन है, उसके अंदर जो है पानी का अमाउंट ज़्यादा है, और ज़्यादा पानी वाले अमाउंट के अंदर शुरू में अर्ली प्रेगनेंसी में, क्योंकि ये हार्मोन इतना ज़्यादा नहीं बना होता, तो इस वजह से उस हार्मोन का अमाउंट यूरिन में बहुत कम है, पानी बहुत ज़्यादा है, और हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हों और जो किट है उसको डिटेक्ट ना करे, या करे तो बहुत हल्के अमाउंट में करे और बहुत हल्की सी लाइन आए। तो ये जो गलती है इसका आप ध्यान रखिए। दूसरा, ये चीज हमेशा याद रखिए कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट जब आप करती हैं तो उसमें आपको कैसा यूरिन लेना है, आपको मॉर्निंग सैंपल का लेना है। और मान लीजिए कभी कभी ये क्वेरीज भी आती हैं कि हमने मॉर्निंग का नहीं लिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने मॉर्निंग का नहीं लिया तो आपको फिर दिन के समय में 6 से 7 घंटे ये ट्राई करना है कि मुझे पानी नहीं पीना है, और उसके बाद को टेस्ट करना है, क्योंकि जो यूरिन है वो बिल्कुल भी डाइल्यूटेड नहीं होना चाहिए। अर्ली प्रेगनेंसी में कंसंट्रेटेड यूरिन होना चाहिए जिसका रंग गाढ़ा पीला हो, तब आपको वो लेकर उससे टेस्ट करना चाहिए। अगर आप उस तरह के यूरिन से टेस्ट करती हैं तो होपफुली आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल वही आएगा जो है, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, वो हल्की लाइन से जो डाउट अराइज होता है वो नहीं होगा। सो आई होप इस वीडियो में जो डाउट थे, जो क्वेरीज आ रही थी, वो मैंने क्लियर कर दी। फिर भी कोई क्वेरी हो आप कमेंट कीजिएगा, कई बार अगर रिप्लाई नहीं हो पाता तो उस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाकर भी रिप्लाई करने का कोशिश करती हूँ। सो प्लीज़ आप वीडियो को सब्सक्राइब करके और ज़रूर जाइएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू सो मच।